हरे कृष्ण स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में जो समझा था कि अगर मान लीजिए कि हमें दो स्लैब दी हुई है इस तरीके से, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि शिफ्ट कितना होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि आई से अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इस आई से जो भी हमें दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, वो कितना दूर दिखाई देगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल सा तरीका अपनाए थे। हमने कहा था कि पूरा प्रूफ किया था, और प्रूफ करने के बाद जो हम लोगों को शिफ्ट मिली थी, शिफ्ट मिल के ये आई थी, और ये वैल्यू हम लोगों को याद रखनी है कि एक स्लैब के थ्रू शिफ्ट रहती है टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू वन। ठीक, अभी मैं आपको यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम इस ऑब्जर्व डिस्टेंस को देखें ध्यान से, जो यहाँ पे ऑब्जर्व डिस्टेंस दी गई है, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि इस जगह से दिखने वाली दूरी S6 के पास से, जैसे आंख हमारी S6 के पास रखी हुई है, तो यहाँ से दिखने वाली दूरी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया। ये दूरी थी x, ठीक है, प्लस उससे अगली दूरी क्या थी, t1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, t1 डिवाइडेड बाय म्यू वन कर दिया। मतलब कि मैंने पूरे के पूरे t1 को नहीं लिया, मैंने क्या लिया, t1 बाय म्यू वन। इसका मतलब मैं इसको कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे ये कुछ इफेक्टिव लेंथ का काम करने लग रही है, समझ में आया। ये मतलब कि पूरे का पूरा t1 ना लेके t1 बाय म्यू वन, मीन्स अगर आप उस लेंथ को डिवाइड कर देते हो उसके पर्टिकुलर म्यू से, तो कुछ इफेक्टिव लेंथ जैसा काम कर रहा है। ठीक, प्लस इससे आगे गए ये T2 था, तो वहां पर कर दे T2 बाय म्यू टू। तो इसका मतलब कि आप यहां से कह सकते हो कि जैसे यहां पे अगर वन रहा होगा, ठीक है, और ये क्योंकि डायमेंशंस को मैच करवाना है, तो और डायमेंशंस तो नहीं, बट लेकिन अगर हम उसको समझना चाहें अच्छे तरीके से, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, S6 बाय 1। मतलब कि S6 किस मीडियम में है, वन के मीडियम है, जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, इज इक्वल्स टू X बाय 1। ये दूरी X डिवाइडेड बाय 1 प्लस T1 बाय म्यू 1 प्लस T2 बाय म्यू 2। जिसको भी ये वीडियो नहीं देखा था, इससे पिछला वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को देखना पड़ेगा अगर आपको ये चीज़ समझनी हो, तो इससे अगला क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब ये हमने कह दिया सर कुछ इफेक्टिव लेंथ का काम करेगा। अभी चलो जैसे इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर तीन अलग अलग लिक्विड्स भरे हुए हैं, और यहाँ पे आई है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर, कि ये जो ओ है ये आई से कितना दूर दिखेगा। ठीक है, तो रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ तो होगी 9 प्लस 4 13, 8 21। ठीक है, रियल डेप्थ होगी इतनी, लेकिन हमें रियल डेप्थ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ मतलब कि जो आई को दिखे, तो इसका मतलब कि बेसिकली मुझे इस जगह से दूरी चाहिए। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूँ सर जैसा हमने पहले सीखा था वैसे का वैसा लगा देंगे, इस जगह से दूरी मतलब कि डेप्थ अपेरेंट अपॉन किस मीडियम से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमारी आई किस मीडियम में है, वन के मीडियम में है, इज इक्वल्स टू, मैंने इससे पिछले में अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि इफेक्टिव लेंथ लिखना हमें आना चाहिए। इफेक्टिव लेंथ क्या रहता है, वो लेंथ डिवाइडेड बाय उसका म्यू। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर से शुरू कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला 8 डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 प्लस, दूसरा क्या लिखेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 प्लस, उससे अगला क्या लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अल्टीमेटली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 6 प्लस, ये कितना आ जाएगा 2, तो 6 6 12 14 14 हो गया, करेक्ट। तो इसका मतलब कि हमें जो रियल डेप्थ थी वो कितनी थी, 21, और जो डी अपेरेंट आई वो कितने, 14 आई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। अगर आप इसको मेथड टू से करना चाहते हैं, मेथड टू कैसे, कि भाई आप इन सबको स्लैब मान लो इंडिविजुअल, हरे को एक एक स्लैब मान लो, हरे को एक एक स्लैब मानोगे तो एक स्लैब में शिफ्ट कितनी रहती है, टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू रहती है स्लैब में शिफ्ट। तो हम लोग लिखने लगे, तो सबसे पहले नीचे लेकर लिखा 8 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू किया, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 4 बाय 3। ठीक, फिर किया प्लस
9 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 बाई 2, ये किसके अंदर शिफ्ट हो गया, दूसरी स्लैब के अंदर, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, ये तीसरी के अंदर हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये 3 बाई 4 हो जाएगा, 1 बाई 4 ये आ गया 2, प्लस इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इससे अगले वाले में इसमें मिलेगा 2 ऊपर गया, 2 बाई 3, 1 माइनस 2 बाई 3 1 बाई 3, ये कितना है 3, ठीक, प्लस इससे अगली में आ जाएगा 2, तो हमारे पास शिफ्ट कितनी आई, 7। तो अगर शिफ्ट आई अपने पास 7, तो हम क्या कहेंगे रियल डेप्थ कितनी थी, रियल डेप्थ थी अपने पास 21 और शिफ्ट कितनी आ गई 7 की आ गई, तो अपेरेंट डेप्थ कितनी हो गई, अपेरेंट डेप्थ हो गई 14, जो मैंने इस मेथड 1 से डायरेक्टली निकाल दिया था। ठीक है भाई, तो बहुत ही जरूरी एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एडवांस लेवल के पर्पज के लिए। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।